प्लस न्यूज में एक बार फिर से स्वागत है। मैं अजय कुमार और आज उपस्थित है जनपद महाराज उनके पनियरा विधानसभा क्षेत्र में। आज हमारे साथ मौजूद हैं बसपा के प्रत्याशी यानी बसपा से लड़ रहे विधानसभा विधायक पद के प्रत्याशी ओम प्रकाश चौरसिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत नेताजी, कैसे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके माध्यम से, आपके तमाम दर्शकों के माध्यम से मैं 319 पनियरा विधानसभा की समस्त सम्मानित जनता को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। जी नेताजी, कैसे स्वास्थ्य ठीक है ना? जी जी, बहुत बढ़िया। इस समय तो दौड़ तो ज्यादा चल रही है। जी जी, बहुत ज्यादा स्लीपलेस और स्लीपलेस जिंदगी हम लोग जी रहे हैं। थकान महसूस नहीं हो रही? नहीं। विधानसभा बहुत लंबा चौड़ा है। जी जी, कोई दिक्कत नहीं। कितनी सीट निकाले प्रदेश में? हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। नेताजी, हम बात करेंगे कि यानी कि किस उम्मीद और किस परिवर्तन को लेकर आप पनियरा विधानसभा क्षेत्र में अपने तैयारी कर रहे हैं। जैसा कि आपको विदित होगा, 2007 में जब हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी तो माननीय बहन जी ने महाराजगंज को जिला और मुख्यालय का दर्जा दिया था। जो भी विकास हुआ वो बहन जी की देन है। 2007 से 2012 का आप अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा विकास हमारे माननीय बहन जी ने किया था। तो उसी चीज़ को लेके हम लोगों के बीच में हैं। और जो मेरे तीन मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और रोजगार को लेके मैं लोगों के बीच में हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कहीं भी कोई भी एक भी तरह का विकास नहीं हुआ, न शिक्षा का, न स्वास्थ्य का, न सुरक्षा का कुछ भी गारंटी नहीं है। जबकि हम लोगों के शासनकाल में यही पुलिस वाले डरते थे, काम करते थे, आज बिना पैसा दिए न कोई पुलिस वाला सुन रहा है, न आम जनता का कोई बात कर रहा है। तो ये सब मुद्दे हैं, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर मैं जनता के बीच में हूँ और निश्चित रूप से हम लोग चुनाव जीतेंगे और हमारी बहन जी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। नेताजी, एक सवाल आता है कि आखिर पनियरा विधानसभा की जनता आपको क्यों विधायक बनाए, क्यों विधायक चुने? देखिए, पनियरा विधानसभा से हमारा पुराना नाता है, हमारा मामा का घर है, यहीं से हमारा प्रारंभिक शिक्षा रही है। और हम लोग यहाँ के निश्चित रूप, यहाँ के लोग हमको निश्चित रूप से प्यार कर रहे हैं और हम लोग विधानसभा में भेजने का काम करेंगे। नेताजी, एक सवाल आता है कि बहुजन समाज पार्टी यानी कि दलितों की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती है बहुजन समाज पार्टी, लेकिन इस बार आजाद समाज पार्टी भी आ गई है चुनाव में, क्या लग रहा है कि बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो रही है? नहीं, हम लोग कहीं कमजोर नहीं हो रहे हैं और उनकी भी टीम हमारे साथ है। निश्चित रूप से हम लोग पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। अभी क्या एक खबर है कि भीम आर्मी के लोग भी समर्थन कर चुके हैं बहुजन समाज पार्टी को, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, भीम आर्मी हम लोग समर्थन कर चुकी है। जी जी, तो अगर आपको पनियरा विधानसभा की जनता विधायक चुनती है तो हम जानना चाहेंगे आपसे विकास के क्षेत्र में कौन सा कार्य पनियरा विधानसभा को उपहार के तौर पर देंगे? निश्चित रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा का हम लोग व्यवस्था सुधारेंगे, रोजगार, युवाओं को अपने रोजगार देंगे। और मैं देख रहा हूँ कि सबसे ज्यादा यहाँ समस्या जल निकासी का है, शिक्षा का है और स्वास्थ्य का है। तो इन सब चीज़ों को मैं प्रथम वरीयता से सुधारने का काम करूंगा। और साथ में आपके माध्यम से मैं एक चीज़ अभी बता दे रहा हूं कि जो भी हमारे BDC भाई होते हैं तो वो लोग प्रमुख जी लोगों को सिर्फ चुनाव तक ही उनका दायरा सीमित रहता है, लेकिन हमारे विधायक बनने के बाद प्रधान जी को, BDC लोगों को, सारे लोगों से प्रस्ताव लिया जाएगा, उन्हीं के द्वारा काम कराया जाएगा, हर गाँव का विकास किया जाएगा। आम जनमानस यानी पनियरा विधानसभा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे अपने चुनाव की तैयारी को लेकर? मैं सबसे हाथ जोड़ के यही निवेदन करना चाह रहा हूं कि आने वाले 3 तारीख को हाथी चुनाव चिन्ह पर मोहर दबा के हमको विजयी बनाएं और माननीय बहन जी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में मदद करें। धन्यवाद। तो ये रहे नेताजी ओम प्रकाश चौरसिया जो पनियरा विधानसभा क्षेत्र में अपनी तैयारी कर रहे हैं यानी कि लड़ रहे हैं चुनाव जो इनकी हुजूम है, और यहाँ से अपने कार्यकर्ताओं के साथ निकलकर भ्रमण करने के लिए जाने को आतुर है, जनसंपर्क भी कर रहे हैं। तो बने रहे अजय कुमार के साथ फास्ट प्लस न्यूज।